चंडीगढ़ शहर के हलो माजरा फॉरेस्ट एरिया से शुक्रवार को हुई एक लड़की की लाश बरामद हुई। ये लाश शनिवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब बरामद की गई। लड़की की उम्र 6 वर्ष बताई जा रही है और वह नर्सरी क्लास की एक छात्रा बताई गई है। घर वालों से बात करने पर हमें पता चला कि वो लड़की शुक्रवार सुबह अपने घर से ट्यूशन के लिए गई थी, उसके बाद शाम को जब वो दोबारा ट्यूशन गई उसके बाद से वह घर दोबारा नहीं लौट पाई है। उसके बाद परिवारजनों ने आसपास के इलाके के लोगों से पूछताछ की और उसकी छानबीन की, लेकिन उसका पता न चल पाने के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 31 के थाने में कंप्लेंट लिखवाई गई और चंडीगढ़ पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए मामले को लेकर छानबीन करनी शुरू कर दी और इलाके के आसपास से छानबीन की गई। और इसी दौरान शनिवार सुबह छानबीन के दौरान लड़की की लाश बरामद हुई, जिसमें वह बिना कपड़ों के वहां पर पड़ी मिली और साथ ही उसकी हत्या की गई है, वो पत्थर मार के वहां पर उसके सिर में पत्थर मार के उसकी हत्या की गई। वो एक जिस तरह का दृश्य वहां पर देखा गया, एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं निराशाजनक और चौंका देने वाला है। ये खबर इलाके के लोगों में फैलने के बाद से वहाँ पर सनसनी और दहशत का माहौल हो चुका है। ACP द्वारा जो जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और जो लाश है उसको अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही ये खुलासा होगा कि उसकी क्या हकीकत है, क्या मामला है, कि रेप किया गया था या रेप के बाद मारा गया है या हत्या कर दी गई है डायरेक्ट ही। तो ये सब एक तरह से पूरा का पूरा मामला जो चंडीगढ़ में आज सामने आया है, वो आज ये सब कुछ पुलिसिया इंक्वायरी के बाद सामने आएगा। फिलहाल हम आपको लड़की के पिता और परिजनों से सुनाते हैं उनका क्या कहना है। जय प्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। हाँ जी, मैं लड़की का फादर हूँ। मैं मामला सर ऐसा है, शाम को 4:30 बजे मिसेज मेरी, वो लड़की मेरी 11 बजे से ट्यूशन आती है, 1 बजे ट्यूशन आई, उसके बाद में रोटी खाई, थोड़ी देर बैठी थी, टीवी देखी, उसके बाद में 4:30 बजे नीचे निकली खेलने के लिए। डेली प्रतिदिन जैसे निकलती थी ऐसे निकली। 15-20 मिनट के बाद मेरी मिसेज ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया कि उसको खाना, फिर दोबारा दूध पीना है। उसने नहीं मिला, फिर सारे गली में मोहल्ले में जितने मेरे रिश्तेदार हैं यार दोस्त हैं उनको इस्तकाल किया, सारे ढूंढे नहीं मिला। फिर मेरे मिसेज ने 7:20 पर मुझे फ़ोन किया, कॉल की। मैं फैक्ट्री में, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, वहाँ से मैं छुट्टी करके फटाफट आया यहाँ कंपनी कमरे में। 15-20 मिनट में उनको ढूंढा, फिर उसके बाद में मुझे नहीं मिली। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन किया थाने में थाने की टीम वहाँ पहुँचे, पुलिस वाले पहुँच करके 2:30 बजे तक वहाँ सर्च किए, वहाँ कहीं नहीं मिली सर मुझे। आज सुबह मॉर्निंग में पुलिस वाले के साथ में मेरे पिता थे, सारे आदमी गए हुए थे जंगल में ढूंढ रहे थे, वहाँ जाकर मेरी लड़की की डेड बॉडी मिली थी और अरनंगन में मिली थी लड़की की डेड बॉडी। सर पे उसके चोट लगा हुआ है, पत्थर से मारा हुआ है किसी दरिंदर ने उसे। मैं इसी, मेरी लड़की थी, बहुत टैलेंट लड़की थी वो,